वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह सिख संगतां नूं मैं एक वीडियो राही संबोधन किया सी, जिते कुछ संगतां दा शंका है कि शायद वो जिहड़ी वीडियो है वो पुलिस की कस्टडी 'च बनी है, क्योंकि उस वीडियो 'च मैं जी बुरे बारे देख रहा कितने। सो मेरी एक संगतां नूं अपील है भी देखो, पहले दी मेरी आदत नहीं भी मैं बैठ के सामने सामने वीडियो बनावा। तुसीं पुरानी वीडियो देखोगे उहदे 'च भी मैं कैमरे वाल बहुता वेखदा नहीं हुंदा। सो पहली गल, जिहड़ी मुख मुद्दे वाली गल आपां करनी है, एक तो आपां हर चीज़ में कॉन्सपिरेसी नहीं समझना, सतगुरु सच्चे पातशाह की ओट सदका आपां गुरु की खेड़ में वड्या समझिए। ये नहीं भी आपां मतलब हिंदुस्तान की सरकार में या पुलिस में वड्या समझ लग पीए, कलगीधर पातशाह की जी करामात उन्होंने वड्या समझिए। एडे किरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो कढ़िया है तो वो किसी मकसद वास्ते कढ़िया है। जिन्होंने ये लगता है भी मैं कोई भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों छड़ गया, ये गल भुलेखा कोई अपने मन च ना रखे। देखो ना तो मैं मरण तो डरा, मरण लिखाए मंडल में आए, इस बाणी के जोड़े बचन ने इतने पूरा पहरा दे रहे हैं। जिदन संसार से आ गए उदन मौत का जोड़ा राह शुरू हो जाता है, तो कोई बच नहीं सकता। पर मेरी संगतों को एक अपील है, मैं जी अज बहर है सतगुरु सच्चे पातशाह ने जी मैंने बहर रखा है इस घेरे तो, वह अर्थ यह है कि मैं अपने साथियों लिए कौम के नौजवानों लिए कौम के हितों की कुछ कर सकता, तो छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे और इस संगतां दे विच भी विचरांगे। इदां दी कोई गल नहीं, मैं उन्हां चों नहीं हैगा भी जिहड़े कहणगे मुल्क छड जा जी, मुल्क छड के बाहर चल गया वो हुण बाहरों जा के लोगों नूं वीडियो पा के मैसेज देऊगा, इदां दी गल नहीं। हाँ, जिहड़े बगावत दे दिन हुंदे आ उहनूं कटदिआं बहुत कुछ सानूं झलणा पैंदा, बिखड़े पैंडे ते तुरना पैंदा, मीलां मील भी बाई बाई मील सफर, दिन हर दिन पैदल करना, ये कोई मतलब खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। सो अठीं पैर प्रशादा छकना जे कितने मिल गया, नहीं तो फिर जल पानी छक के गुजारा कर लेना। ये जिहड़े दिन ने बगावत दे कटने औखे ने, पर मैं संगतां नूं एक अपील करना कि आपां चढ़दी कला 'च रहना। चढ़दी कला 'च रहण दा अर्थ ये हुंदा कि असीं जदों इस राह ते तुरीए, इस मार्ग ते तुरीए, तो सानूं पहले ही पता हुंदा है कि आपां जिहड़े राह ते तुरिए कंडिआं वाला राह है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिआ है और किला छड्ड के माछीवाड़े के जंगलों के विच गए ने, पैर कन्नियां लहू लुहान हो गए। सो वो रास्ते जिहड़े है धर्म की नगरी के उत्ते अख्तियार करने पैंदे है। मेरी जिहड़ी संगतां नूं अपील है कि मैं एक कॉल दित्ती सरबत खालसे वास्ते, मैं जथेदार साहब नूं तां कहा कि जथेदार साहब ने एक सद्दा दित्ता सी मीटिंग करके कि समूह जथेबंदियां पहुँच, जथेबंदियां पहुँचियां उत्थे, जिन्हां ने हमायत कीते गल उन्हां दा वी धन्नवाद, जिन्हां विरोध कीती उन्हां दा वी धन्नवाद। मैं किसी के विरोध नहीं गल करनी कोई भी, यह समा नहीं किसी का विरोध जी नहीं करता। कौम ते भीड़ आण बड़ पई होवे ते सानू एक दूजे दे हक चुकाउणा चाहिए। जथेदार साहब ने एक जिहड़ी उदम कीता वो चंगा है, उहदे 'च कुछ नूं नहीं शामिल किया गया, मैनूं लगता भी सारे लिए खुला सद्दा होना चाहिए सी, पर जो हो गया सत वचन है। हुण उस तों बाद जथेदार साहब ने कहा सी छोटियां वीरां कढांगे। देखो वीर शब्द जदों असीं पंजाब आण के इस पुरातन शब्द नूं रिवाइव कीता, इहदा अर्थ है वीर कत्तणी, कत्त के भाव इस पासे नूं तुर लैणा, ते फिर किसी रोक की परवाह नहीं करनी। जदों वीर तुर पैंदी है वह किसी को रोक नहीं सकती। जथेदार साहब जी, जे वीर कढ़नी है तो मेरी एक बेनती है, ये जो तुम प्रवान करो तो चंगी गल, क्योंकि तुहाडी भी प्रीख्या है, साडी प्रीख्या जो तुसीं लंघ रहे हैं, पर तुहाडी भी यह प्रीख्या है भी जथेदार के अहुदे ते जो जथेदार साहब के अहुदे ते हुंदिआं तुहाडी यह प्रीख्या है भी तुसीं अज कौम के लिए कितना डट के हक च खड़ सकते हो। सो जे तुसीं वहीर कढ़नी है तो तुहानूं यह वहीर जिहड़ी है इस तरीके नाल कढ़नी चाहीदी। अकाल तख्त साहब तो शुरू हो के कुछ दिनों के वहीर दमदमा साहब पहुँचे विसाखी, तो उत्थे सरबत खालसा हो गए। तो मैं ये कदे भी नहीं कहा भी वहीर नहीं कढ़नी चाहिए, मैं ये कहा भी वहीर कढ़नी है, पर इन पिंडों में छोटिया वहीर लोगों को जागरूक करना एक खाना पूर्ति है। लोग पूरे जागरूक ने और लोगों को होर जागरूक करने की लड़ नहीं, सगों संगतों को मोबलाइज करने की लड़ है, संगतों को इकट्ठे करने की लड़ है, उन्होंने हुकूमत का पै कढ़ने की लड़ है। सो अज सानू लड़ है असी इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर कौम लिए खड़ीए, तो जिन्होंने ऐ लगता है कोई नहीं इस धरती से ही हाँ, इस धरती का ही अपना लहू डोलना। सो इस करके ये गल जो बकवास छड़ दीए भी मैं कितने भगौड़ा हो जाऊंगा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्नी बरकत इन्नी कृपा इन्नी रहमत मेरे ते कीती है कि मैं सुपने दे विच भी भगौड़ा नहीं होना सोच सकता। कईयां ने कहा सी उन्हें केस कतल करा लिया होने, ये सारिया गल् जिहड़ियां ने बेबुनियाद ने। केस कतल कराने तो पहले जो सिर का खोपड़ा असीं लवा सकते हैं, केस कतल कराने बारे सोच भी नहीं सकते। सो मेरी संगतां नूं अपील है, मेरी होर ना सारे नूं अपील है भी किसी अगे हाथ जोड़ के तरले नहीं करने, ठीक है। संगतां नूं संबोधन किया सी मैं पहली वीडियो, इस करके मैं संगतां नूं संबोधन करदे आं निम्रता, तो मैं वैसे नीवी पा के गल करता हूं। जो हुकूमत को संबोधन मैं हूँ कर दिना भी हुकूमत तो ना मैं कल डरता सी ना अज डरना, हुकूमत ने जो करना कर ले। हाँ ये गल है गिरफ्तारी तो मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी लिए मैं कोई शर्त नहीं रखी, जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही मैं गिरफ्तारी बारे कोई गल ही नहीं की, जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही भी अमृतपाल सिंह ने तीन शर्तां रख दित्तियां गिरफ्तारी दियां, भी थाने जी उहदे नाल कुटमार नहीं की, जब मैं कहना जिहड़ी कुटमार करनी जिहने कर लवे, जिहड़ा तशद्दुद किसे करके वेखना करके वेख लवे, ना तशद्दुद तों डरदे हां ना बंद बंद कट्टण तों डरदे हां। सो इस करके मेरी संगतां नूं अपील है किसी भी गुमराह को प्रचार च नहीं आना, मैं चढ़दी कलां च अज्ज दी तरीक तक मैं चढ़दी कलां दे विच हां,
और अज तो बाद सतगुर के हाथ है सारा कुछ। जे सतगुर ने इनिया संकटा च राखी की है तो अगे भी करता रहूगा। महाराज वो घर किसी का घाटा नहीं, मेरी ओट उस पर है, मेरी ओट दुनियावी ना तो अदालतों पर है ना किसी होर गल है, मेरी ओट सतगुर सच्चे पातशाह की कचहरी पर है। उन्हें इंसाफ मेरे नाल करना है। संगतों को मेरी अपील है भी तुम दृढ़ रहना, तुम ढेंदी कला च नहीं जाना, ना ढेंदी कला कोई गल करनी है। और मेरे परिवार को मेरे को अपील है भी तुम्हें भी कोई ढेंदी कला गल नहीं करनी, एवं नहीं हाथ जोड़ के कही जाना कि देखो जी साथ दो, सारी संगत साथ दे रही है, कोई नहीं जो कोई नहीं भी दिता इस खत को सच्चे पातशाह का पेंडा है। इस मार्ग से चलते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जितों आनंदपुर साहब का किला छड़ते हैं तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भेड़ ले सी, लोगों ने कहता कि अपने पत्त मरवा गए हम साढ़े मरवाण आ गए। सो मैं ऐ लगता भी आप संगतों का साथ जोड़ा है वो संगतों ने आप ही दे देना, आप चढ़ती कला च रहिए। सतगुरु का भाणा मनीए, ये भाणा मनने वाली सारा कुछ होना है। जो भाणे तो उल्ट जाके गल करेंगे वो होनी भी नहीं गई, सो भाणे च रह के सारा कुछ होना है। सो इन बेनती है सरबत खालसे की काल जथेदार साहब देन, जे नहीं देंगे तो उन्होंने प्रीख्या की घड़ी है कि वो कौम लिए की कर ली संजीदा ने की नहीं कर ली संजीदा ने। उन्होंने उत्ते एक इल्जाम लगता भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये उतों भी मुक्त होने का समय है। सो अज आप बध चढ़ के जरा सरबत खालसे की काल के हिस्सा पाइए। संगतों को मेरी अपील है भी तुम संगती रूप से पिंडा अनाउंसमेंटा करो कि विसाखी के उत्ते दमवा साहब सरबत खालसा सद्या जाए। इन बेनती है जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।